हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली राशि फल के बारे में, जो कि 9 जुलाई से 15 जुलाई 2018 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार अपने हर राशिफल की वीडियो में ये बात आपसे शेयर करता हूँ। कौन सी बात आपको ध्यान रखना है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कहीं भी राशिफल देखते हो, चाहे कहीं भी राशिफल पढ़ते हो, चाहे कहीं भी राशिफल सुनते हो, मेरा सुनते हो, कहीं किसी और का सुनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राशिफल देखने से पहले, राशिफल पढ़ने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो राशिफल होते हैं वो बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, अपने बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कई चीज़ों की एक साथ ज़रूरत लगती है। जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएँ, अंतरदशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, सूक्ष्म दशाएँ, आपकी कुंडली में बने अच्छे या बुरे योग, आपके गोचर, आपके नक्षत्र और भी कुछ चीज़ें का जब एक साथ मिला करके अध्ययन किया जाता है, तब जा करके एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि जो ग्रहों के गोचर हैं वो यहाँ पर इस सप्ताह कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं और कहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी राशि की, यहाँ पर हम जो भी राशियों की बात करें, तो आप चंद्र राशि उसे मानिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों से। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए बात की जाए तो आपके उत्साह में वृद्धि होने के योग मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। अब आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। और देखिए, यदि उत्साह में वृद्धि होती है तो व्यक्ति जरूर से सफल भी होता है, क्योंकि उत्साह में वृद्धि भी एक की पॉइंट है सक्सेस का। यदि उत्साह ही नहीं है व्यक्ति को, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो उसकी सफलता नहीं हो सकती। तो आपके उत्साह मुझे यहां पर पूरा बनता हुआ दिखता है। एक चीज और ये कि ये जो उत्साह है, आपने यदि कोई नया कार्य शुरू करने का सोचा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा साथ आपका देगा। तो नई योजनाएं बना सकते हैं आप, यदि बना रहे हैं तो नया कार्य आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह का नया कार्य हो, चाहे आप बिजनेस शुरू करने का सोचे, चाहे आप अपने कैरियर के बारे में सोचे, चाहे आप अपने परिवार के बारे में सोचे, किसी भी बारे में यदि आप नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे यहां पर आपका वो नया कार्य आगे चल के सक्सेस होता हुआ जरूर से दिखता है। तो बिल्कुल आप अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। साथ ही साथ एक और अच्छी बात यह कि आपको सहयोग मिलने के योग भी मुझे यहां पर बनते नजर आते हैं। किसी न किसी से किसी न किसी तरह का सहयोग हो सकता है, वो सहयोग फाइनेंशियल हो सकता है, वो सहयोग मेंटली सहयोग हो, तो किसी भी तरह का सहयोग आपको यहां पर मिल सकता है। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि यदि आप लव अफेयर में, यदि आपका प्रेम संबंध है, तो वहां पर भी आपको सहयोग मिले किसी का, और जिसकी वजह से आपका जो प्रेम संबंध है वो विवाह जैसे शुभ संबंध में तब्दील हो जाए। तो मुझे यहाँ पर आपका सहयोग मिलता हुआ भी बनता नजर आता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी दिखती है, आपका स्वास्थ्य भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर नजर आता है, आपका नौकरी व्यवसाय के लिए भी समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद यदि वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके दिल में भी प्रसन्नता इस सप्ताह यहाँ पर बनती हुई मुझे नजर आ रही है। किसी कुछ भी वजह हो सकती है, देखिए पारिवारिक वजह हो सकती है, चाहे आपकी आर्थिक वजह हो सकती है, चाहे नौकरी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट, तो उसकी वजह, तो हर क्षेत्र में आपकी प्रसन्नता आपके दिल में बनी रहेगी ऐसा बनता नजर आता है। तो यदि प्रसन्नता है तो ऑब्वियसली आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा है, आपका जो नौकरी व्यवसाय है या फिर आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी है, आप यदि स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी जो सप्ताह है मुझे बहुत अच्छा बनता नजर यहाँ पर आता है। यदि मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके मतभेद होने के योग इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। अपनी पारिवारिक स्थिति में आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी
उलट फेर हो सकती है, थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, यहाँ पर किसी न किसी से आपके मतभेद हो सकते हैं। ये मतभेद मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे लगते हैं कि कुछ संपत्ति को लेकर के, कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर के होंगे। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, पैतृक संपत्ति को लेकर के हैं तो आपको ज़रूर से उस संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ संबंध ज़रूर से आपके यहाँ पर इस सप्ताह टूट सकते हैं। तो ऐसे योग मुझे बनते ज़रूर से नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी यात्राएँ भी होंगी, थोड़ा सा भागा दौड़ी आपका ज़्यादा हो सकता है, फिजूल में इधर से उधर से इधर भागना दौड़ना भी आपका मुझे ज्यादा बनता है यहाँ पर नजर आता है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ आपका हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा आपके लिए भी भागा दौड़ी का ये समय है, तो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। दोस्तों मिथुन राशि के बाद यदि कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपको भी चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर इस सप्ताह सता सकती है, किसी न किसी तरह की चिंताएं। अब वो चिंताएं हो सकता है अपने जॉब में हो सकता है अपने बिजनेस में हो सकता है आप यदि स्टूडेंट हो तो वहाँ पर भी आपको किसी न किसी तरह की चिंताएं सताएं, अपने भविष्य की चिंताएं सताएं। लेकिन पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका जो स्वास्थ्य है वो इस चिंता की वजह से ज़रूर से कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो ये फिजूल की चिंताएं ना करें, देखिए जो होना है वो तो होगा, तो फिजूल की चिंताएं ना करें। सब कुछ मुझे यहाँ पर आपका अच्छा बनता हुआ नजर आता है, लेकिन चिंताएं आपकी ज्यादा होने की वजह से ये आपके स्वास्थ्य को जरूर से गड़बड़ कर सकता है, और स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो पारिवारिक स्थिति तो बिगड़ ही जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है, पैसा भी लगेगा यदि स्वास्थ्य बिगड़ा तो देखिए आप ज्यादा चिंताएं ना करें ताकि दूसरी स्थितियां जो है वो ना बिगड़ें। स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप भी चिंताएं ना करें, क्योंकि चिंताओं की वजह से भी आपके साथ दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तो मन लगा करके मेहनत कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों कर्क राशि के बाद यदि सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपको किसी न किसी तरह का शुभ समाचार यहाँ पर इस सप्ताह मिल सकता है। अब वो शुभ समाचार हो सकता है कि आपके नौकरी नई नौकरी लगने के विषय में हो, या फिर आपका बिजनेस सेटल होने के विषय में हो, या फिर आपके संतान प्राप्ति के विषय में हो, शादी होने के विषय में हो, किसी भी तरह का शुभ समाचार आपको यहाँ पर इस सप्ताह मिले ऐसे मुझे योग बनते नजर आते हैं। लेकिन आपकी यात्राएं भी होंगी, आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, वो यात्राएं जो है रहेंगी तो सुखद, लेकिन आपके शरीर को थका देने वाली यात्राएं होंगी। मानसिक स्वास्थ्य जो आपका है, मानसिक तौर पर जो है आपको प्रसन्न जरूर वो यात्राएं करेंगी, लेकिन शारीरिक थोड़ा सा बिगाड़ेगी आपको यात्राएं। तो थोड़ा सा आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति वो मुझे बहुत अच्छी बनती नजर आती है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी बनती नजर आती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए ही ये समय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को स्पेशली कहूँगा कि मन लगा करके मेहनत कीजिए, आपकी सफलताएं आगे मुझे बनती नज़र आ रही है। उसके बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आपकी भी सफलताएं स्पेशली आपके नौकरी या व्यवसाय में होगी। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, आप यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी सफलताएं मुझे बनती नजर आती है, तो बिल्कुल इस सप्ताह आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी करते भी हैं तो वहां पर भी आपकी सफलताएं मुझे दिखती है, जैसे कि नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हो, नौकरी में पदोन्नति चाहते हो, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो, तो किसी भी तरह की शुभ समाचार या सफलताएं जिसे कहते हैं वो मुझे यहाँ पर आपकी बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ एक चीज जरूर से हो सकती है कि आप के मित्र से, कोई परम मित्र आपका हो, कोई बेस्ट फ्रेंड आपका हो, या फिर आपका जो जीवन साथी है उनसे किसी न किसी तरह का झगड़ा आपका हो जाए, या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो उससे आपका झगड़ा हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए और जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव देकर के जाए, तो ऐसे योग यहां पर मुझे बनते नजर यहां पर आ रहे हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी पारिवारिक स्थिति जैसा मैंने बता दिया कि किसी न किसी तरह का आपका मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी वाणी का ध्यान रखें, अपने बोल चाल का ध्यान रखें, ताकि मनमुटाव की स्थिति आपकी यहाँ पर ना बने। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सफलताओं के योग है, तो सफलताएं आपको भी यहाँ पर स्टूडेंटशिप में भी मिलने वाली है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा मुझे बनता नजर आता है कन्या राशि के जातकों के लिए। दोस्तों कन्या राशि के बाद यदि तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके खर्च मुझे यहाँ पर ज़्यादा नजर आते हैं, फिजूल का खर्च आपका ज्यादा होगा और फिर फिजूल की चिंताएं भी आपकी ज्यादा होंगी। फिजूल की चिंताएं होने की वजह से पारिवारिक मतभेद भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि चिंताएं व्यक्ति को सताती है ना, फिर घर परिवार वाले कुछ छोटा सा भी आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उन पर झल्ला जाते हैं, चिल्ला देते हैं, और यदि आपने चिल्लाया तो सामने से भी तो कोई चुप रहेंगे नहीं, तो एक दूसरे चिल्ला चोट की वजह से फिर पारिवारिक मतभेद भी बढ़ते हैं, फिर पारिवारिक दूरियां भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा ये भी मुझे पारिवारिक चिंताएं भी यहाँ पर नजर आपकी आ रही है। आपके जो आर्थिक स्थिति है जैसा मैंने बताया, खर्च अधिक रहेगा तो थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, आपके नौकरी व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं आपके मुझे मतभेद नजर आते हैं, आप यदि स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए चिंताएं मुझे यहाँ पर बनती नजर आती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ नजर आता है,
तुला राशि के जो जातक है उनको थोड़ा सा इस सप्ताह को निकलने की प्रतीक्षा करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सप्ताह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, अपने अपने पैसों का, अपने नौकरी का, अपने परिवार का, ताकि आगे चल के और कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इस सप्ताह जरूर से ध्यान रखें। दोस्तों वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आप नया कार्य, कुछ भी नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है आपका कोई बिजनेस प्लान हो, उसे शुरू करने के बारे में सोचें। हो सकता है आप यदि मकान बनाना चाहो चाहते हो, भूमि खरीदना चाहते हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो ऐसा आप जरूर से सोच भी सकते हैं, इसे शुरू भी कर देंगे, लेकिन उसकी वजह से जो खर्चा होगा तो वो आपकी आर्थिक स्थिति जरूर से बिगाड़ेगा और आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से आपको चिंताएं भी यहाँ पर सताएंगी। तो ऐसे योग मुझे जरूर से बनते नजर आते हैं, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, लेकिन आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपके लिए समय मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। पारिवारिक स्थिति भी जो है वो भी आपकी मुझे अच्छी नजर आती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी जो है मुझे आपका यहाँ पर ठीक नजर आता है, मैं बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत खराब भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक मुझे आपका स्वास्थ्य यहाँ पर नजर आ रहा है। दोस्तों धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ समाचार मुझे यहाँ पर मिलता नजर आता है, किसी न किसी तरह का शुभ समाचार, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। देखिए नौकरी के क्षेत्र में हो सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, चाहे तो आपके संतान का कोई शुभ समाचार हो जाए, संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार हो जाए, किसी भी तरह का शुभ समाचार मुझे आपका यहाँ पर बनता नजर आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि शुभ समाचार कहने का मतलब आपने कोई एग्जाम फाइट की हो, उसका कोई रिजल्ट आया हो, तो ऐसा कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए यहाँ पर इस सप्ताह, ऐसा मुझे बनता नजर आता है। आपको सुख भी मिलेगा, भौतिक सुख जो होता है ना वो भी आपको मिलेगा। यदि आप मकान खरीदना चाहते हो, भूमि खरीदना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हो, किसी भी तरह का लग्जरियस आइटम कुछ खरीदना चाहते हो, तो जरूर से वो भी मुझे यहाँ पर आपका बनता नजर आता है और आपका खर्च भी इस चीज़ में होगा। लेकिन खर्च होने की वजह से आर्थिक स्थिति आपकी नहीं बिगड़ेगी, आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका जो नौकरी व्यवसाय है उसके लिए समय मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। नौकरी में पदोन्नति के योग भी मुझे आपके बनते नजर यहाँ पर आ रहे हैं। एक चीज़ जरूर से हो सकती है, आप यदि भूमि खरीदने के बारे में सोचें, भूमि है, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कुछ भी, लेकिन भूमि खरीदने के बारे में सोचे तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि उसको लेकर कुछ विवाद भी आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा भूमि जब खरीदें तो चारों तरफ देखें, चीजों को परखें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही आप पैसा लगाएं। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मुझे सामान्य नजर आती है, आपके जो नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत मुझे अच्छा नजर आता है यहाँ पर, आपका स्वास्थ्य भी मुझे अच्छा नजर आता है। धनु राशि के जातकों के लिए जो समय है बहुत अच्छा है, भूमि खरीदते समय थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। धनु राशि के बाद यदि हम यहाँ पर बात करें मकर राशि की, तो देखिए दोस्तों मकर राशि के लिए सफलताएं मुझे यहाँ पर बनती नजर आती है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर रहें, मुझे आपकी सफलताएं मुझे बहुत अच्छी बनती नजर यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ आपकी जायदाद में वृद्धि भी होगी, जायदाद में वृद्धि, आप यदि कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, कुछ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसमें भी वृद्धि मुझे बनती नजर आती है। तो आर्थिक स्थिति इसको बिगड़ना नहीं कहें कि आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो पैसा तो जरूर से लगाएंगे, तो जो पैसा आपके पास है, जो चल संपत्ति है वो कम होगी लेकिन अचल संपत्ति बढ़ेगी, तो इसे मैं आर्थिक स्थिति का कमजोर होना नहीं कहूंगा, ये आपके लिए सामान्य है, एक हाथ दिया एक हाथ लिया वो वाली स्थिति है। साथ ही साथ यदि आपके नौकरी व्यवसाय की बात करें तो नौकरी व्यवसाय के लिए समय मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। साथ ही साथ यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आता है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी समय मुझे मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा बनता नजर यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों मकर राशि के बाद यदि कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके स्थानांतरण के योग, आपके ट्रांसफर के योग मुझे बनते नजर आते हैं। आप हो सकता है कि कहीं बाहर जाने के बारे में सोचें, आप देखिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ट्रांसफर भी हो ही जाएगा, लेकिन यदि आप नहीं सोच रहे हैं बाहर जाने के बारे में तो ये जरूर से ट्रांसफर आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। आपके नौकरी में ट्रांसफर के योग मुझे बनते नजर आते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि शत्रु भय भी है। देखिए आप यदि किसी से बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बातचीत कीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से, ऑब्वियसली किसी अनजान व्यक्ति से थोड़ा सा सोच समझ के बातचीत कीजिए। यदि विवाद की स्थिति ज़्यादा बढ़ती है तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा काम से थोड़ा सा अपने मन को शांत करके बात कीजिए, और कानूनी तौर पर किसी भी तरह की बात कीजिए, पुलिस वगैरह इनकी सहायता लीजिए, खुद से विवाद की स्थिति को क्रिएट मत होने दीजिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको परेशानी दे सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता नजर आता है। शारीरिक कष्ट भी मुझे आपका दिखता है यहाँ पर इस सप्ताह, किसी न किसी तरह का शारीरिक कष्ट, हो सकता है बीमार हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया ना शत्रु भय है, तो शत्रु की तरफ से भी किसी न किसी तरह का शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आपको जरूरत है। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनती नजर आती है, आपका जो स्वास्थ्य है वो भी मुझे अच्छा दिखता है यहाँ पर। शारीरिक कष्ट जो है वो शत्रु की तरफ से मुझे ज्यादा यहाँ पर बनता नजर आता है, लेकिन
सामान्यतः जो स्वास्थ्य है आपका मानसिक स्वास्थ्य भी है वो भी मुझे अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय मुझे कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा बनता नजर यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों मीन राशि के जातकों की बात करें तो आपको ना अनसर्टेन गेन होगा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। कई लोग चाहते हैं सर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ पैसा लगाया कि यहाँ पर क्या यहाँ पर हमें लाभ होगा, तो मैं आपसे कहता हूँ अनसर्टेन लाभ, आकस्मिक लाभ, अनसर्टेन गेन, ऐसे योग यहाँ पर इस सप्ताह मुझे बनते नजर आते हैं। कोई लॉटरी वगैरह खुल जाना या फिर शेयर में कहीं पैसा लगाना जो कि बहुत अच्छा उछाल आना और जिसने आपको अच्छा रिटर्न दे देना, तो ऐसे योग मुझे बनते जरूर से यहाँ पर नजर आते हैं। तो इस तरह से आपका जो हर्ष है, आपके मन में जो खुशी है, वो जरूर से बनी हुई रहेगी। और साथ ही साथ आपकी पदोन्नति, यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके आगे बढ़ने के योग हैं, आपके सफल होने के योग मुझे बनते यहाँ पर नजर आते हैं। यदि बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर चलेगा इस सप्ताह, तो वो भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। हाँ, यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो चाहे मकान, अपना खुद का मकान आप बनवाना चाहते हो, जिसकी शुरुआत करना चाहते हो, तो कुछ भी नया कार्य यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप नया कार्य इस सप्ताह यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मन में हर्ष रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। के लिए भी समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा यहां पर बनता मुझे नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।